ऑफ मदरबोर्ड होता है उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए हमारा सीपीयू सॉकेट है, ये हमारा एमपीजीए 478 सीपीयू सॉकेट होता है। सीपीयू सॉकेट के बगल में जो हम ये देख रहे हैं हमारा वीआरएम सर्किट है। वीआरएम सर्किट का काम होता है माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई देना। इस सीपीयू सॉकेट के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है, तो वीआरएम सर्किट से हम इसको सप्लाई देते हैं। ये जो हमारा सीपीयू सॉकेट है हमारा नॉर्थ ब्रिज से जुड़ा होता है। ये हमारा नॉर्थ ब्रिज है, ये जो हम देख रहे हैं हीट सिंक है, हीट सिंक के नीचे हमारा ये नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज से जो हमारा कनेक्ट होता है ये रैम स्लॉट कनेक्ट होता है। ये हमारा रैम स्लॉट है, DDR1 का रैम स्लॉट है, ये हमारा इस नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट है। साथ ही साथ नॉर्थ ब्रिज से जो हमारा कनेक्ट होता है ये VGA पोर्ट कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए हमारा VGA पोर्ट है, 15 पिन का जिगजैग टाइप में ये VGA पोर्ट होता है। इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट नॉर्थ ब्रिज से होता है। साथ ही साथ नॉर्थ ब्रिज के साथ जुड़ा होता है हमारा ग्राफिक्स पोर्ट। ग्राफिक्स पोर्ट हमारे दो तरह के होते हैं, एक AGP और एक PCI एक्सप्रेस। ये जो हम देख रहे हैं हमारा ये AGP है, यहाँ पर हम ग्राफिक्स कार्ड को लगाते हैं। अगर PCI एक्सप्रेस को देखना है तो यहाँ पर देखिए इस बोर्ड में हमारा ये PCI एक्सप्रेस है। AGP और PCI एक्सप्रेस में जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस देखें तो थोड़ा सा मतलब वाइड नजर आता है। प्लस ये जो नोच है इसका, नोच का लेंथ देखिए ये यहाँ पर ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर नोच यहीं पर है, स्टार्टिंग में ही नोच है। करीब 8-10 पिन के बाद ही नोच मिलता है और यहाँ पर करीब 20-25 पिन के बाद हमें नोच मिलता है। तो इस तरह हम AGP और PCI एक्सप्रेस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा साउथ ब्रिज होता है, मतलब सीपीयू सॉकेट कनेक्ट है नॉर्थ ब्रिज से, नॉर्थ ब्रिज के साथ साउथ ब्रिज हमारा कनेक्ट है। साउथ ब्रिज से अब क्या क्या अटैच होता है तो यहाँ पर देखिए साउथ ब्रिज से सबसे पहले हमारा साटा हार्ड डिस्क पोर्ट है, इसमें हार्ड डिस्क भी लगाते हैं, अपना ऑप्टिकल ड्राइव DVD राइटर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ये हमारा साटा पोर्ट है जो हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है। ये हमारा ID पोर्ट है, ID पे भी हम हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल ड्राइव लगाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, तो एक ID1 हो गया, एक ID2 हो गया। इसके अलावा हमारा ये CMOS सेल है, CMOS सेल भी हमारा साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। ये हमारा रोम है, रोम बायोस, ये भी हमारा साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये हमारा PCI स्लॉट है, ये भी हमारा साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। इसके अलावा जब हम साउथ ब्रिज से देखेंगे तो ये जो हमारा पोर्ट है यहाँ पर, ये USB पोर्ट, ये USB पोर्ट भी हमारा डायरेक्ट साउथ ब्रिज से कनेक्टेड रहता है। इसी साउथ ब्रिज से हमारा कनेक्ट होता है ये लैन चिप के साथ, ये लैन का क्रिस्टल लगा हुआ है और लैन चिप के साथ हमारा ये लैन पोर्ट कनेक्ट होता है। इसी साउथ ब्रिज के साथ हमारा ये साउंड चिप के साथ ये हम देख रहे हैं फ्रंट ऑडियो हेडर है। साथ ही साथ ये हमारा साउंड पोर्ट हमारा साउंड चिप से और साउंड चिप हमारा साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। इसी साउथ ब्रिज के साथ हमारा आयो चिप लगा होता है, ये हम देख रहे हैं हमारा आयो चिप है। अब आयो चिप के साथ देखिए क्या क्या कनेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए हमारा ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का पोर्ट है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हमारा साउथ ब्रिज से नहीं बल्कि आयो चिप से कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर PS2 पोर्ट, एक कीबोर्ड के लिए दूसरा माउस के लिए, ये भी हमारा आयो चिप से कनेक्ट होता है। ये हमारा कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट भी कहते हैं इसको, सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, ये भी हमारा आयो चिप से कनेक्ट होता है। ये हमारा प्रिंटर पोर्ट भी हमारा आयो चिप से कनेक्ट होता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि हमारे जो बैक पैनल है, बैक पैनल में PS2 पोर्ट आयो चिप से, USB पोर्ट साउथ ब्रिज से, कॉम पोर्ट आयो चिप से, प्रिंटर पोर्ट आयो चिप से, VGA पोर्ट नॉर्थ ब्रिज से, लैन पोर्ट लैन चिप से, साउंड पोर्ट साउंड चिप से कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं हमारा क्लॉक जनरेटर है, क्लॉक जनरेटर के साथ ये इसका 14 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। क्लॉक जनरेटर जो होता है एक तरह से देखा जाए तो सबसे इसकी कनेक्टिविटी होती है। ये नॉर्थ ब्रिज को भी क्लॉक देता है, प्रोसेसर्स को भी क्लॉक देगा, PCI स्लॉट को भी इसी से क्लॉक आता है, साउथ ब्रिज को भी इसी से क्लॉक आता है। इस तरह हमने ब्लॉक डायग्राम पे देखा मदरबोर्ड पे कि किस तरह हम मदरबोर्ड के हर पार्ट को पहचानते हैं और कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट होता है। एक बार हम एक और दूसरा मदरबोर्ड लेंगे, इसमें एक बार हम देखते हैं। देखिए ये हमारा CPU सॉकेट है, ये CPU सॉकेट, ये हमारा नॉर्थ ब्रिज, यहाँ पर नॉर्थ ब्रिज है, इसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ है। ये हमारा साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज को हम GMCH कहते हैं, MCH भी कहा जाता है, मेन चिप भी कहा जाता है, सेंटर चिप भी कहा जाता है। यह हमारा साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज को हम ICH भी कहते हैं, ग्रीन चिप भी कहते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्थ ब्रिज को नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को साउथ ब्रिज क्यों कहा जाता है,
क्योंकि देखिए सिंपल है, जब भी कोई एक डायग्राम बनाते हैं आप तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नॉर्थ एंड कहलाता है और नीचे का हिस्सा साउथ एंड कहलाता है। तो जब भी हम इस मदरबोर्ड का डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा सीपीयू सॉकेट ऊपर रहता है, सीपीयू सॉकेट के बाद हमारा नॉर्थ भी जाता है और सबसे नीचे में बॉटम साइड पे साउथ भी जाता है। तो इसीलिए इसको हम साउथ बीच कहते हैं, क्योंकि बॉटम साइड में है इसीलिए इसको साउथ बीच कहते हैं, और ये थोड़ा टॉप साइड में होता है इसीलिए इसको हम नॉर्थ बीच कहते हैं। अब देखिए सीपीयू सॉकेट से जो कनेक्ट होता है हमारा ये वीआरएम सर्किट, वीआरएम सर्किट का काम वीआरएम नॉर्थ बीच ये सीपीयू को सप्लाई देना होता है। नॉर्थ बीच के साथ हमारा कनेक्ट है ये रैम स्लॉट, ये जो हम रैम स्लॉट देख रहे हैं हमारा 1.5 वोल्ट इसके नोच पे प्रिंटेड है, तो इसका मतलब ये हमारा DDR3 का रैम स्लॉट है। 1.5 वोल्ट इसके नोच पे प्रिंटेड है, दैट मीन्स ये हमारा DDR3 का रैम स्लॉट है। ये भी हमारा नॉर्थ बीच से कनेक्ट होता है। इसके अलावा ये हमारा PCI एक्सप्रेस ग्राफिक्स स्लॉट है जो कि ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता है, ये भी हमारा नॉर्थ बीच से कनेक्ट होता है। साथ ही साथ बैक पैनल पे देखिए अगर हम तो यहाँ पर हमें देखिए एक तो ये VGA पोर्ट नजर आ रहा है, ये VGA पोर्ट भी नॉर्थ बीच से कनेक्ट है, प्लस ये DPI पोर्ट देख रहे हैं, DPI पोर्ट भी हमारा नॉर्थ बीच से कनेक्ट होता है। आजकल वीडियो इंटरफेस के लिए एक नया इंटरफेस आया जिसको हम HDMI पोर्ट कहते हैं, वो HDMI पोर्ट भी हमारा नॉर्थ बीच से कनेक्ट होता है। तो नॉर्थ बीच की कनेक्टिविटी हमने देख ली, अब हम देखते हैं साउथ बीच की कनेक्टिविटी की साउथ बीच के साथ क्या क्या कनेक्ट होता है। साउथ बीच के साथ सबसे पहले सीमोस सेल हमारा साउथ बीच से कनेक्ट होता है। साटा पोर्ट, ये साटा पोर्ट भी हमारा साउथ बीच से कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए हम 8 लेक का सॉप 8 बायोस देख रहे हैं, ये जो हमारा रोम बायोस है ये भी हमारा साउथ बीच से कनेक्ट है। साथ ही साथ ये PCI स्लॉट भी हमारा साउथ बीच से कनेक्ट होता है। यहाँ पर हम देखिए बैक पैनल पे हमें नजर आ रहा है ये USB पोर्ट, ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB पोर्ट है। USB पोर्ट भी डायरेक्ट हमारा साउथ बीच से कनेक्ट होता है। साउथ बीच के साथ ही हमारा साउंड चिप कनेक्ट होता है, ये देखिए हमारा साउंड चिप है, साउंड चिप के साथ हमारा ये साउंड पोर्ट साउथ बीच के साथ ही हमारा कनेक्ट होता है। लैंड चिप की पहचान ये है कि यहाँ पर 25 MHz का क्रिस्टल लगा होता है। लैंड चिप के साथ हमारा ये लैंड पोर्ट जो कि 8 पिन का होता है ये कनेक्ट होता है। साउथ बीच के साथ ही हमारा कनेक्ट होता है आयो चिप, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा आयो चिप है, IT8720F लिखा है, ये हमारा आयो चिप है। अब आयो चिप के साथ क्या क्या कनेक्ट है वो देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा फ्लॉपी ड्राइव का जो पोर्ट है वो भी हमारा आयो चिप से कनेक्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बैक पैनल पे हमारा ये PS2 पोर्ट है, ये PS2 पोर्ट हमारा आयो चिप से कनेक्ट होता है। कॉम पोर्ट भी हमारा आयो चिप से कनेक्ट होगा। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है, साउंड पोर्ट साउंड चिप से, USB पोर्ट साउथ बीच से, लैंड पोर्ट लैंड चिप से, VGA पोर्ट नॉर्थ बीच से, DPI पोर्ट नॉर्थ बीच से। तो ये हमने देख लिया आयो चिप के साथ ही हमारा ये फ्रंट पैनल का जो ऑन ऑफ बटन होता है वो कनेक्ट होता है। साथ ही साथ ये जो हम देख रहे हैं हमारा यह फ्रंट USB हेडर है, ये फ्रंट USB हेडर जो है वो हमारा डायरेक्ट साउथ बीच से कनेक्ट होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये PCI एक्सप्रेस X1 स्लॉट कहा जाता है इसको, ये भी हमारा डायरेक्ट साउथ बीच से कनेक्ट होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि PCI एक्सप्रेस X16 नॉर्थ बीच से और X1 जो है ये साउथ बीच से कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए गौर से यहाँ पर हमें एक चिप नजर आ रहा है, ये हमारा क्लॉक जनरेटर है, ये इसका क्रिस्टल है, 14 MHz का क्रिस्टल है। तो क्लॉक जनरेटर जो होता है उसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के साथ होती है, इसका काम होता है हर सेक्शन को क्लॉक देना। तो इस तरह हमने इस क्लास में देखा कि मदरबोर्ड को ब्लॉक डायग्राम को कैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें और भी देखने वाली चीजें, ये हमारा जो देख रहे हैं 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, इसका काम होता है वीआरएम सर्किट को सप्लाई देना। ये हमारा SMPS का 24 पिन सॉकेट है, यहाँ से हम SMPS के पावर कनेक्टर को लगाते हैं और इससे पूरे बोर्ड को सप्लाई जाती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये देख रहे हैं CPU फैन का कनेक्टर है, CPU फैन कनेक्टर पे जो सप्लाई आती है 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, प्लस इसका जो कंट्रोल होता है वो आयो चिप के साथ होता है। ये हमारा सिस्टम फैन भी कह सकते हैं, चेसिस फैन भी कह सकते हैं, जो कैबिनेट की बॉडी पे जो फैन लगते हैं उसका कनेक्टर है। इसका भी कनेक्शन जो होता है इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, प्लस इसका जो कंट्रोल कनेक्शन है वो हमारा आयो चिप के साथ है। तो इस तरह हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड देखा।